एक मौलवी साहब जिनकी काफी ज्यादा उम्र हो चली थी, वह अपनी टूटी सी झोपड़ी में के अंदर एक चारपाई के ऊपर आराम कर रहे थे। तभी अचानक से उस झोपड़ी के बाहर एक महिला कलेक्टर की गाड़ी आकर रुकती है। उसके बाद महिला कलेक्टर उसमें से उतरती है और झोपड़ी के अंदर जाने लगती है। अब जैसे मौलवी साहब किसी को झोपड़ी के अंदर आते हुए देखते हैं तो एकदम से अपनी चारपाई पर बैठ जाते हैं। उसके बाद वह महिला कलेक्टर जाकर उनके पैर छूती है और कहती है कि अब्बू मैं आ गई। अब इस बात को सुनकर जो मौलवी साहब हैं वह थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि अब्बू बेटा तुम कौन हो। तब वह लड़की कहती है, अब्बू आप मुझे भूल गए क्या, मैं शिवानी शर्मा हूँ और मैं हूँ शिवानी शर्मा। इतना सुनने के बाद दोस्तों, यह जो कहानी मौलवी साहब उत्तर होते प्रदेश हैं लखनऊ की है। लखनऊ में एक छोटा सा परिवार रहता था, उसमें पति और पत्नी रहते थे। पत्नी की डिलीवरी होने वाली थी। इस बात को सोच सोचकर दोनों पति पत्नी बड़े खुश हुआ करते थे, क्योंकि अब उनके परिवार में एक और जो है सदस्य जुड़ने वाला था। और वो धीरे धीरे सपने सजाए, बहुत ज्यादा सपने सजाए थे। धीरे धीरे समय समय बीतता है और समय आगे आ गया था डिलीवरी का। अब डिलीवरी का जैसे समय आता है तो ईश्वर चंद शर्मा अपनी पत्नी को लेकर सीधा हॉस्पिटल जाते हैं और वहां पर डिलीवरी करवाने लगते हैं। लेकिन जैसे डिलीवरी होती है तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपकी पत्नी की जान हम नहीं बचा पाए। जाने ईश्वर चंद शर्मा की पत्नी सावित्री थी, उसकी मौत हो चुकी थी डिलीवरी के दौरान। अब इस बात को सुनकर जो ईश्वर चंद शर्मा थे बड़े परेशान होते हैं, लेकिन वह करते भी तो क्या करते। तब पूछते हैं कि क्या हुआ है बेटा या बेटी, तो डॉक्टर बताते हैं कि आपको एक बेटी हुई है। तो इसके बाद जो ईश्वर चंद्र शर्मा थे वह अपनी बेटी को पालने पोसने का फैसला करते हैं। इस बार जो शर्मा जी होते हैं वह सोचते हैं कि मैं अपनी बेटी को, माता पिता दोनों का प्यार अपनी बेटी को दूंगा। और धीरे धीरे उसको बड़ा कर रहे थे। उसे उस लड़की का नाम रखा जाता है शिवानी। अब शिवानी धीरे धीरे बड़ी होती है, वैसे स्कूल जाने योग्य होती है। तो उसके पिता एक अच्छे से स्कूल में उसका एडमिशन कराते हैं और उसके अच्छे से देखभाल किया करते हैं। कुछ समय बीतने के बाद जो शिवानी होती है 10वीं क्लास में होती है और 10वीं क्लास में जो है वह परीक्षा देती है। कुछ समय के भीतर ही समय बाद शिवानी होती है 10वीं क्लास में होती है और 10वीं क्लास में उसने एग्जाम दे दिया था। शिवानी पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थी और उसके पिता अपनी बेटी कि इन बातों की खुशी मनाया करते थे कि उनकी बेटी पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है। और वह अपनी बेटी को जो है किसी डिपार्टमेंट में एक जो है अफसर बनाना चाहते थे। कहा करते थे कि बेटी तू पढ़ लिख कर जरूर कोई बड़ा अफसर बनेगी और मेरा नाम रोशन करेगी। लेकिन दोस्तों ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। एक दिन अचानक से जो ईश्वर चंद्र शर्मा थे उनकी एक हादसे में मौत हो जाती है और इसके बाद जो बेटी थी वह घर पर अकेली रह जाती है। और जैसे जैसी उसके रिश्तेदारों को पता चलता है कि उसके पिता के हादसे में मौत हो गई है तो वह फूट फूट कर रोने लगते हैं। और जो शिवानी होती है उसके सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो जाते हैं और वह सभी लोग यह तय करने लगते हैं कि शिवानी को अपने साथ कौन लेकर जाएगा। तभी वहां पर शिवानी की जो बुआ होती हैं वो आती हैं और वह लोगों से कहने लगती हैं कि कोई बात नहीं, शिवानी को मैं अपने पास रख लूंगी और मैं अच्छी तरह से इसका पालन पोषण कर लूंगी। इसके बाद जो शिवानी होती है सभी रिश्तेदारों की मर्जी से शिवानी को शिवानी की बुआ के पास छोड़ दिया जाता है। अब शिवानी अपनी बुआ के यहाँ पर रहने लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसे ऐसा एहसास होता है कि उसकी बुआ यहाँ पर उसे पालने के लिए नहीं लाई है। वह तो केवल वह उसे काम करवाने चाहती थी और काम करवाने के लिए ही लाई है एक नौकरानी बनाकर, क्योंकि उसकी बुआ उससे घर का पूरा काम करवाया करती थी और उसके बाद ही उसे खाने पीने के लिए दिया करती थी। लेकिन जो शिवानी थी वह सभी चीजों को जो है एडजस्ट करती थी। वह वहीं पर रहती थी और सोचती है कि कोई बात नहीं, मेरे पिता माता पिता नहीं है तो यही ठीक है, कम से कम यहाँ पर खाने के लिए तो खाना तो मिल जा रहा है। इसके बाद शिवानी को एक दिन पता चलता है कि जो उसने 10वीं क्लास के पेपर दिए थे उन पेपरों का रिजल्ट आ गया है। अब शिवानी जैसे अपना रिजल्ट देखती है तो उसे पता चलता है कि उसने पूरे जिले में टॉप किया है। उसके बाद शिवानी बुआ के पास जाती है, उन्हें बताती है कि मैं 10वीं क्लास में पूरे जिले में टॉप की हूँ, आप ऐसा करो कि मेरा एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दो, मेरे पिताजी का यही सपना था। वह बार बार कहा करते थे कि तू पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है और तू किसी बड़ी सी पोस्ट को हासिल करेगी। अब इस बात को सुनने के बाद उसकी बुआ को
मानो काटो खून नहीं था, और वह कहने लगती हैं कि अगर तू पढ़ने लिखने के लिए जाएगी तो घर का पूरा काम कौन देखेगा। शिवानी अपनी बुआ को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बुआ ने साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि तुझे इस घर के अंदर ऐसे ही रहना होगा। इसके बाद शिवानी अपने अपने बाप पापा को कमरे में बंद कर अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उससे अपने पिता की वह सारी बातें याद आ रही थी जो उसके पिता उससे कहा करते थे, और उन सभी को सोच सोच कर वह फूट फूट कर रो रही थी। रोते रोते धीरे धीरे रात हो गई थी, लेकिन रात के समय तक ना तो कोई उसे खाना देने वाला था और ना ही कोई कहने आया था कि चलो खाना खा लो, कि बेटी मत रो खाना खा लो, तेरा एडमिशन करा देंगे। इसके बाद शिवानी अपने आप को संभालती है और परिस्थितियों के साथ जीने की कोशिश करने लगती है। कई बार तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन वह जाती भी तो कहाँ जाती, क्योंकि उसकी जो बुआ थी उसे अपने साथ लेकर आई थी और साथ में उसका घर जो था वह भी बेच दिया था। जिस घर के अंदर वह रहा करती थी उस घर को बेचकर भी बुआ ने अपने पास पैसे रख लिए थे, क्योंकि गांव की जमीन थी, गांव में ही एक पड़ोस को उसने दे दिया था और कहा था कि जो कुछ भी पैसे तुम इसके दे सकते हो उन पैसों को मुझे दे देना, मैं इसकी इस पैसों से देखभाल शिवानी की करूंगी, उसमें काम आ जाएंगे। शिवानी इसी तरह से अपना जीवन जीती रहती है और वहीं पर बनी रहती है। उसको दिन भर पूरा काम करना पड़ता है और उसके बाद भी खाने के लिए उसे सबसे लास्ट में मिला करता था, पूरा परिवार खाना खा लिया करता था। इन सभी बातों को ज्यादा परेशान हो जाती है सोच सोच के, और वह इस घर में नहीं रहना चाहती थी। उसको यहाँ पर रहते हुए 1 साल हो गया था और 1 साल के दौरान बार बार उसे अपने पिता की वही बातें याद आया करती थी, जब उसके पिता उसे कहा करते थे कि बेटी तू पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है और तू एक बड़ा अफसर बनेगी। उसके दिमाग में अक्सर अफसर बनने का जो भूत सवार था, इसी वजह से शिवानी जो होती है उसे घर से भागने का फैसला कर लेती है। एक दिन उसकी बुआ और उसके परिवार वाले वहां से किसी शादी में गए हुए थे और शिवानी को अकेला घर पर छोड़ गए थे। अब शिवानी घर के अंदर अकेली रहती है और वह सोच रही थी कि आज का मौका जो है ऐसा मौका दोबारा मुझे नहीं मिलेगा। इस मौके को वह पूरा उठाना चाहती थी और अपने सारे कपड़े पैक करने के बाद चुपके से घर से निकल जाती है और रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगती है। पैदल चलते चलते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और वहां जाकर एक ट्रेन में बैठ जाती है। अब ट्रेन में बैठ गई थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। उसे तो केवल इस जगह से निकलना था क्योंकि यहाँ पर उसके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था। तब शिवानी सोच रही थी कि कहीं अब मैं कहाँ जाऊंगी, कहीं कहीं चली जाऊंगी और वहां पर अपना गुजर कर लूंगी। रात का समय था, रात के समय उस ट्रेन में सवारी थी और उन्हीं सवारी में से एक लड़का शिवानी की तरफ घूर घूर कर देख रहा था। अब शिवानी को यह सब कुछ बुरा तो लगता है, लेकिन वह करे तो क्या करे, क्योंकि फिलहाल वह ट्रेन के अंदर जो है थी और उनसे कुछ बातें करने लगता है। और जब शिवानी भी यह सब कुछ होता देख रही थी और इस बात को देखकर वह बड़ी घबरा जाती है और जैसे आगरा स्टेशन आता है तो उस डिब्बे के अंदर शिवानी बैठी हुई थी। उसी डिब्बे में वहां पे 3 से 4 लड़के और चढ़ जाते हैं, एकदम से 3 लड़के और चढ़ते हैं और वह सभी उस लड़के के पास जाते हैं। वह लड़का शिवानी की तरफ से इशारा करता है और लड़की के पास जाते हैं। वहां वह जो लड़का होता है वो शिवानी की तरफ इशारा करता है। शिवानी जैसे ही इन सभी चीजों को देखती है तो वह खतरे के भाव को बिल्कुल ही भाप जाती है। इस और जो ही ट्रेन रुकती है स्टेशन पर, वह स्टेशन पर बिल्कुल ही उतर जाती है, उतर के और जाने लगती है। उसका पीछा करते हुए वह चारों लड़के भी स्टेशन पर उतर जाते हैं और वह शिवानी का पीछा करने लगते हैं। शिवानी अपने सामान को लेकर भागने लगती है और वह लड़के भी उसका पीछा करने लगते हैं। शिवानी कभी इधर छुपती है, कभी उधर छुपती है और वैसे छुपते छुपाते एक मस्जिद के पास सामने पहुंच गई थी। अभी तक सवेरा होने वाला था, सुबह के 4 बजे थे, लेकिन तभी वहां पर मौलवी साहब नमाज पढ़ने के लिए उस मस्जिद के अंदर आ जाते हैं। अब जैसे शिवानी मौलवी साहब को उस मस्जिद के अंदर जाते हुए देखती है तो एकदम से बाबा कहकर मदद मांगने लगती है। अब इस आवाज को लड़के भी सुन लेते हैं और मौलवी साहब होते हैं वह धीरे से शिवानी को मस्जिद के अंदर बुला लेते हैं। मस्जिद के अंदर बुलाने के बाद में शिवानी से पूछने लगते हैं कि कहाँ से आई हो और यहाँ पर इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो। शिवानी रोते हुए उनको बताती है कि मैं कहीं जा रही थी और
रास्ते से चार लड़के मेरे पीछे लग गए हैं। मौलवी साहब को बताती है कि वह लड़के बाहर खड़े हुए हैं, तो उसके बाद मौलवी साहब मस्जिद से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद उन लड़कों को धमका देते हैं और वह वहां से भगा देते हैं। लड़की मस्जिद के अंदर जा चुकी थी और हो सकता है कि वह लड़के सोचते हैं कि मस्जिद के अंदर और भी व्यक्ति हो, तो इसी वजह से वह भी डरते हुए वहां से चले जाते हैं और मौलवी साहब उसके बाद शिवानी को बिठाते हैं। बिठाने के बाद उससे पूरी बात पूछते हैं कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम कहाँ जाती हो और तुम क्या करना चाहती हो, बेटी तू कौन है, कहाँ से आई है और तुझे कहाँ पर जाना है। उसके बाद जो शिवानी अपनी पूरी कहानी मौलवी साहब को बताने लगती है, बताती है कि मैं और मेरे पिता वहां पर रहा करते थे, लेकिन अचानक से मेरे पिता की मौत हो गई और उसके बाद मैं अपनी बुआ के साथ रहने लगी, लेकिन मेरी बुआ मुझे पढ़ने लिखने नहीं दिया करती है और मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ। पढ़ने लिखने के लिए मैंने अपनी बुआ का घर छोड़ दिया और बात करें ट्रेन की, तो मैं ट्रेन में चढ़ी लेकिन वहां पर यह लड़के मेरे पीछे लग गए और मैं यहाँ पर आ गई। इस बात को कहते हुए जो शिवानी होती है उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद जो मौलवी साहब होते हैं उसको सहारा देते हैं और कहते हैं कि तुम शांत हो जाओ बेटी, जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है और तू कैसे भी चिंता मत कर, अब तुझे क्या करना है तो यह बता। तो शिवानी कहती है कि बाबा मुझे पढ़ लिख कर एक बड़ी सी पोस्ट हासिल करना है। तो पूछते हैं कि तो कहाँ जाना चाहती है, तो शिवानी कहती है कि बाबा अभी तो कोई मंजिल तय नहीं है लेकिन मुझे पढ़ाई करनी है। यह उसके बाद जो मौलवी साहब होते हैं वह कहते हैं कि बेटी अब तो जवान हो रही है और तेरे साथ जो अभी हुआ है ना ऐसा बार बार हो सकता है, तुझे किसी घर की जरूरत है तो तू ऐसा कर, इतने दिन मेरे साथ रह ले, जब तक तेरी पढ़ाई और आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चली जाना, जब बड़ी हो जाना और वहीं से अपनी पढ़ाई को कर लेना। इसके बाद जो शिवानी होती है मौलवी साहब के साथ उसके घर में रहने लगती है। मौलवी साहब की उम्र 55 साल की थी और वह शिवानी का ख्याल अच्छी तरह से रखा करते थे, उसका स्कूल में एडमिशन भी कराते हैं और वहां से उसके आगे की पढ़ाई करने का मौलवी साहब जो है उसको हौसला देते हैं। मौलवी साहब के परिवार में और कोई नहीं था, केवल मौलवी साहब अकेले रहा करते थे, छोटा सा घर का टूटा फूटा और उसी के अंदर रहकर अपना गुजारा किया करते थे। धीरे धीरे करके 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल के बाद जो शिवानी होती थी वह अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेती है और जैसे शिवानी की 12 की क्लास का रिजल्ट आता है तो सभी गांव वाले इस बात को देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं कि इस लड़की ने 12वीं में भी क्लास को पूरे जिले को टॉप किया है, अच्छे नंबरों से पास किया है। शिवानी को भी इस बात की बड़ी खुशी होती है और वह मौलवी साहब के साथ इस खुशी को साझा करती है और उन्हें बताती है कि अबू मैं अच्छे नंबरों से 12वीं की क्लास में पास की हूँ। तो उसके पिता उसे पूछने लगते हैं कि बेटी आगे क्या करना है, करने का इरादा है, तो वह कहती है कि पिताजी आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे शहर जाना है। तो मौलवी साहब उससे उसके शहर जाने का इंतजाम करते हैं, थोड़े बहुत पैसे थे उसको देते हैं और कहते हैं कि बेटी अगर और पैसे चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें दे दिया करूंगा। शिवानी जो होती है वह घर से निकलकर एक बड़े शहर में पहुंच जाती है जहां से वह अपनी ग्रेजुएशन को करने वाली थी, लेकिन शिवानी मौलवी साहब के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी क्योंकि मौलवी साहब जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे थे और ऊपर से उनकी उम्र भी काफी ज्यादा हो चुकी थी। वह नहीं चाहती थी कि मौलवी साहब के ऊपर बोझ बने, तो इसी वजह से काम ढूंढने लगती है और जो है उसे काम एक मिल भी जाता है और वहां पर जाकर होटल के मालिक से उसे एक होटल दिखाई देता है और होटल में घुसती है, होटल के मालिक से बात करती है। पहले उस लड़की की तरफ होटल मालिक देखता है और उससे पूछता है कि बेटी तुम क्या काम करती हो, तो वह बताती है आप जैसा चाहो, मैं पढ़ी लिखी हूँ और आप जैसा चाहोगे वैसा मैं काम आपका कर दिया करूंगी, उसके बदले आप मुझे कुछ पैसे दे दिया करेंगे और कुछ टाइम चाहिए मुझे पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद होटल के मालिक होते हैं वह शिवानी से पूछने लगते हैं, कहते कि बेटी तुम कौन हो और कहां से आई हो और किस वजह से तुम्हें काम चाहिए, क्या तुम्हारा परिवार वाले तुम्हारे साथ नहीं रहते हैं। उसके बाद शिवानी रो रोकर अपनी पूरी कहानी होटल के मालिक को सुनाती है। होटल का मालिक भी जैसे शिवानी की पूरी कहानी सुनता है तो वह भी पूरी तरह से भावुक हो जाता है और उससे
कहता है कि बेटी कोई बात नहीं, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, तो तुम बेशक से यहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो। जो भी मदद होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, और तुम्हें जैसे भी काम करना हो वैसा काम तुम यहाँ से ढूंढ लो, होटल में कर सकती हो। यानी कि होटल वाले अब शिवानी को आगे पढ़ाना चाहते हैं। इसका कारण यह था कि जो होटल का मालिक था वह उसकी बेटी एक बिल्कुल ही अनपढ़ गंवार थी। पढ़ने के लिए होटल का मालिक बहुत प्रयास किया पढ़ाने के लिए, लेकिन उसकी बेटी पढ़ाई लिखाई छोड़कर उसकी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। वह लगातार घर पर ही जमी थी, उसकी जो होटल होटल थी। उसके बाद उसको जो शिवानी होती है उसको पढ़ाता है, और मेरी बेटी भी, वह सोचता है कि मेरी बेटी भी शिवानी को देख के आगे पढ़ने का उसे भी हौसला आएगा, वह भी शुरू कर देगी। अब होटल मालिक शिवानी को आगे की पढ़ाई करने के लिए छूट दे देता है। होटल मालिक होता है वह उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाते हैं, और साथ में जो शिवानी होती है वह होटल पर ही काम करने लगती है। धीरे धीरे समय भी बीतता जाता है। साथ साथ में बनी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट शिवानी कर लेती है। तो उसके बाद में होटल मालिक से कहने लगती है कि बाबूजी अब मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाना होगा। तो उसके बाद जो होटल मालिक होता है खुशी खुशी दिल्ली भेज देता है, और उसका पूरा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी लेता है। वह शिवानी का खुद जाकर एक अच्छे से कोचिंग सेंटर में एडमिशन कराता है, और कहता है और पैसा देता है। शिवानी मन लगाकर मेहनत करती है, और मेहनत करने के बाद धीरे धीरे कुछ समय के बाद शिवानी होती है, वह जिला कलेक्टर बन जाती है। अब वह शिवानी कलेक्टर जैसे बनती है तो यह खुशखबरी का सबसे पहला हकदार उसका होटल का मालिक था। यह सोचकर वह खुशखबरी होटल मालिक को देती है, और होटल मालिक इस बात को सुनकर देते हैं उसको। इसके बाद जो शिवानी होती है वह ट्रेनिंग के लिए चली जाती है, और अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एक जगह पर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। अब शिवानी के पास सरकारी गाड़ी थी, आवास था, उसे रहने खाने की कोई भी दिक्कत नहीं थी, और वह एक जिला कलेक्टर बन गई थी। इसके बाद जो होटल मालिक होता है वह एक दफा उससे मिलने के लिए भी जाता है। शिवानी उसका अच्छे से वेलकम करती है, और पिताजी कहकर उससे लगी रहती है। एक दिन शिवानी को यह याद आता है कि मैं मौलवी साहब को कैसे भूल सकती हूँ, उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया था, और 2 साल तक उसकी देखरेख में मैंने रहा है, अपनी जिंदगी बिताई है। तो 12 की क्लास तक उसने मुझे शिक्षा दिलाई थी। इसके बाद जो शिवानी होती है मौलवी साहब से मिलने का मन बना लेती है। उसके बाद वह अपनी गाड़ी लेती है, और गाड़ी लेकर सीधा मौलवी साहब के पास चली जाती है। अब इन बातों को लगभग 8 साल बीत गए थे, और 8 साल बाद जो शिवानी होती है वह कलेक्टर साहिबा के रेस में सीधा उसी जगह पर पहुंचती है जहां पर वह कभी मौलवी साहब के साथ रहा करती थी। वहां जाने के बाद में देखती है कि जिस घर में कभी वह रहा करती थी वह घर फिलहाल नहीं है। उस घर की जगह एक टूटी फूटी झोपड़ी बनी हुई है। उसके बाद जो शिवानी होती है झोपड़ी के अंदर जाने लगती है। सामने मौलवी साहब अपनी चारपाई पर बैठे हुए थे, और वह शिवानी की तरफ असमंजस निगाहों से देख रहे थे। उसके बाद शिवानी जाकर उनके पैर छूती है, और जो मौलवी साहब हैं पूछते हैं कि बेटी तू कौन है और मेरे पास क्यों आई है, क्यों मेरा पैर छू रही है। तो उसके बाद शिवानी उससे उनसे कहने लगती है कि अब्बू आप मुझे भूल गए, मैं शिवानी शर्मा हूँ और मैं एक जिला कलेक्टर बन गई हूँ। अब जैसे मौलवी साहब शिवानी का नाम सुनते हैं और सुनने कि वह जिला कलेक्टर बन गई है तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगते हैं, और रोते हुए शिवानी को अपने गले लगा लेते हैं। तो गांव के अंदर लोगों में हड़कंप मच जाता है, सोचने लगते हैं कि मौलवी साहब ने ऐसा क्या काम कर दिया है। जो कि उनके झोपड़ी के अंदर पुलिस और बड़ी सी गाड़ी आकर खड़ी हुई है, क्योंकि झोपड़ी के बाहर एक जो है गार्ड भी खड़ा हुआ होता है। गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे। इसके बाद जैसे सभी लोगों को पता चलता है कि यह वही शिवानी है जो 2 साल से इस गांव में रह रही थी। सभी लोग शिवानी के इस कामयाबी से बेहद खुशी मनाते हैं, और शिवानी को बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाद जो शिवानी होती है वह मौलवी साहब से कहती है कि बाबा चलो अब आपको मैं यहाँ पर नहीं रहने दूंगी, आप मेरे साथ चलोगे। पहले तो मौलवी साहब उससे मना करते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, कहते हैं कि बेटी मुझे यहीं पर रहने दो, लेकिन जो है वो लड़की कहती है कि मुझे आपकी सेवा करनी है। उसके बाद
जो मौलवी साहब होते हैं वो कहते हैं कि पास में ही जो है मस्जिद है, मैं नमाज पढ़ लिया करता हूँ, लेकिन वहां पे जाऊंगा तो मैं कैसे क्या करूंगा। अब तब लड़की कहती है मुझे आपकी सेवा करना मैं चाहती हूँ, लेकिन मौलवी साहब उसे कहते हैं कि बेटी यहाँ पर पास में हर चीज की व्यवस्था है, वहां पर कैसे होगा। तब जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं एक काम करती हूँ, शिवानी उन्हें बताती है कि जहाँ पर मेरा आवास है उससे भी थोड़ी दूर में ही एक मस्जिद है और वहां पर जाकर आप नमाज पढ़ लिया करना। अगर आपको यह लगता है कि मैं हिंदू हूँ तो यह चीज अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि उस टाइम पर जिस टाइम पर आपने मेरी मदद की थी आपने यह चीज नहीं देखा था कि मैं हिंदू ही हूँ या मुस्लिम हूँ, आपने इस चीज का भेदभाव बिल्कुल भी नहीं किया था, तो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया दिया करो। आपकी सेवा इसी तरह से करूंगी, आप मेरे पिता समान हो और पिता की तरह ही मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर शिवानी मौलवी साहब को अपने साथ ले जाती है और इसकी इस बात को देखकर गांव के सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मौलवी साहब उसके घर में रहा करते थे और पास वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चला जाया करते थे। शिवानी है वह मौलवी साहब की अच्छी तरह से देख रेख किया करती थी और जब कभी शिवानी से कोई मिलने के लिए आया करता तो वह मौलवी साहब को घर के अंदर देखकर बड़ी हैरान हो जाता, लेकिन जब शिवानी पूरी कहानी उनको बताया करती थी तो वह लोग भी शिवानी की तारीफ किया करते और कहते कि यह होती है असली इंसानियत। कभी कभी वह होटल मालिक भी उससे मिलने के लिए आया करता है सब परिवार और अपनी बेटी को उससे शिवानी को देखकर बताया करता है कि ऐसी होती है बेटियां, शिवानी दोनों को अपने पिता की तरह सम्मान करती है। होटल मालिक अपने घर में रहा करते हैं लेकिन मौलवी साहब उनके पास ही रहा करते थे। कुछ दिनों बाद शिवानी की उनके बराबर की रैंक वालों वाले एक अधिकारी मिल जाते हैं, उससे शिवानी शादी कर लेती है। शादी होने के बाद जो शिवानी होती है उस अधिकारी से साफ साफ कह देती है कि यह मेरे पिताजी हैं, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें उनकी सेवा भी करनी होगी। शिवानी का पति जैसे पूरी कहानी सुनता है तो उसके भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। किस तरह से शिवानी आईएएस ऑफिसर बनी है और किस समय में मौलवी जी ने उनके साथ साथ दिया था, तो शिवानी का पति होता है उसकी आंखों में भी मौलवी साहब की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वह भी उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगता है। तो दोस्तों यह थी कहानी एक लड़की की जिसके माता पिता उसको बचपन में छोड़कर चले गए थे, लेकिन उसके घर भी उसने अपने मुकाम उसके बाद भी उसने अपने मुकाम को हासिल किया है, कामयाब होकर इस समाज में दिखाया है। आप क्या कहना चाहते हो कहानी के बारे में, आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग बहुत कंजूसी करते हो लाइक करने में और कमेंट करने में, तो प्लीज ये फ्री का है कर दिया करो। उसके बाद इन कहानियों को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इस कहानी में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उसे उस चीज को अप्लाई कर सको। दोस्तों शिवानी का नसीब कहे या कहे वह दोनों आदमी का इंसानियत कहे जो कि उनके दिल में जिंदा थी और शिवानी को इस मुकाम पर यही दोनों आदमी ने पहुंचाया था। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।